नमस्कार, आपका स्वागत है युगांश भव्य एडवोकेट में। और आज हम जानेंगे यूनेस्को के बारे में कि यूनेस्को कौन सी ऑर्गेनाइजेशन है। तो पहले सबसे हम उसकी फुल फॉर्म जानते हैं। फुल फॉर्म है यूनाइटेड नेशंस एजुकेशनल साइंटिफिक कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन। अब ये इसमें से जो यूएन आता है वो यूनाइटेड नेशंस है। उससे आप क्या समझते हो? इससे आप ये समझते हो ना कि इसमें सिर्फ यूएन के मेंबर्स आ सकते हैं? नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। इसमें दुनिया का कोई सा भी मेंबर्स आ सकता है। तो फिर इसमें 193 मेंबर्स यानी 193 देश और 11 एसोसिएट्स है। इतने सारे मेंबर्स, लगभग सारी दुनिया ही है इसमें। और इसके बनाने का जो मुख्य कारण था वो था कि दुनिया में शांति रहे। किस माध्यम से? एजुकेशनल, कल्चरल और साइंटिफिक से, कि अच्छी एजुकेशन जाए बच्चों के अंदर, बड़े बूढ़ों में अच्छी एजुकेशन रहे, ताकि फिर पूरी दुनिया में शांति रहे, कोई लड़े झगड़े ना। और आपको पता है कि जो तीन ऐसे यूनेस्को के मेंबर्स भी है जो यूएन के मेंबर्स नहीं है, जैसे न्यूई, कुक आइलैंड्स और पैलेस्टाइन यानी फिलिस्तीन। और ऐसे तीन यूएन के मेंबर्स भी है जो यूनेस्को के मेंबर्स नहीं है, और उसमें से सबसे बड़ा यूएस। यूएस यूनेस्को का मेंबर नहीं है, जी हाँ। और इजराइल नहीं है, और उसी के साथ साथ लिक्टेनस्टीन भी नहीं है। और इनके चार पिलर्स ऑफ एजुकेशन है। चार पिलर्स, पहला लर्निंग टू डू, दूसरा लर्निंग टू बी, और तीसरा लर्निंग टू लिव टुगेदर, और चौथा लर्निंग टू नो। मतलब हिंदी में हम पढ़ाई करें कुछ जानने के लिए, हम पढ़ाई करें कुछ बनने के लिए, हम पढ़ाई करें कुछ करने के लिए, हम पढ़ाई करें साथ रहने के लिए। ये है इनके चार पिलर्स ऑफ एजुकेशन। और यूनेस्को सबसे ज्यादा फोकस करता है प्रायोरिटी एरियाज में, जैसे अफ्रीका। अफ्रीका में, अफ्रीका एक प्रायोरिटी एरिया है। वहाँ पर लोग लिटरेट बहुत कम है, वहाँ पर लोग पढ़ाई में, मतलब पढ़ाई के लिए उनके पास ज़्यादा पैसे नहीं है, इसलिए यूनेस्को उनकी हेल्प करता है, उनको डोनेशन देकर उनकी हेल्प करता है। तो और एक मेन चीज़ जो मैंने बताना भूल गया कि यूनेस्को की स्थापना कब हुई थी। यूनेस्को की स्थापना 16 नवंबर 1949 को हुई थी। तो गाइज, अगर आपको और भी जानना है यूनेस्को के बारे में तो फिर आप इनकी ऑफिशियल वेबसाइट unesco.org में जाकर विजिट भी कर सकते हैं।